गए सभी लोग, चेक कर लीजिए कोई रह तो नहीं गया। आज ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल या परसों से काफी मीडिया सेक्शंस में इस बात की चर्चा है और कुछ लोग इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे कि 14 तारीख के लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति रहेगी, लॉकडाउन कैसे खुलेगा, इस पर भी जो है मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है, कुल मिलाकर आज पुष्ट केसेस की संख्या 305 है और इस 305 में कल से आज तक में 27 केसेस आए हैं और जो ये 27 केसेस आए हैं इनमें से 21 केस तबलीगी जमात के पुष्ट रोगियों के आए हैं। जो 27 केसेस आए हैं उनमें आगरा से 2, जिसमें लखनऊ से 5, पांचों तबलीगी जमात के हैं, गौतम बुद्ध नगर से 3, कानपुर नगर से 1, ये भी तबलीगी जमात से आए हैं। 5 केसेस जो है हमारे पास आज रिपोर्ट हुए हैं शामली से, ये पांचों तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। इसके बाद 1 केस आया है कौशाम्बी से, 1 केस आया है बिजनौर से, ये भी तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ एक पेशेंट है। सीतापुर से 8 केस आए हैं, ये 8ों जो है तबलीगी जमात से जुड़े हुए हमारे पेशेंट्स हैं। और प्रयागराज से भी 1 केस आया है जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यानी कुल मिलाकर अब 305 केसेस हमारे पास हो गए हैं और इन 305 केसेस में अब 159 केसेस तबलीगी जमात से हैं। सबसे ज्यादा केसेस जो तबलीगी जमात से आए हैं वो आगरा में 29 कुल हो गए हैं, लखनऊ में 12 हो गए हैं, गाजियाबाद में 14, लखीमपुर खीरी में 3, कानपुर नगर में 7, वाराणसी में 4, शामली में 13, जौनपुर में 2, बागपत में 1, मेरठ में 13, हापुड़ में 3, गाजीपुर में 5, आजमगढ़ में 3, 4 फिरोजाबाद में, 1 हरदोई में, 3 प्रतापगढ़ में, 13 सहारनपुर में हो गए, 1 जो है शाहजहांपुर में, 2 बांदा में, 6 महाराजगंज में, 4 हाथरस में, मिर्जापुर में 2, रायबरेली में 2, औरैया में 1, बाराबंकी में 1, कौशाम्बी में अभी नहीं है, बिजनौर में 1, 8 सीतापुर में और 1 प्रयागराज में। यानी 159 केसेस हमारे जो है अब तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और कुल हमारे प्रदेश में 305 केसेस हैं। यानी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या आधे से भी ज़्यादा हो गई। तो जो ये मीडिया में एक दो दिन से चल रहा था 14 के बाद लॉकडाउन का, ये देखते हुए कि इसके कारण संवेदनशीलता बढ़ी है और अब हम पहले तो उन लोगों को टेकअप कर रहे हैं जो सीधे पेशेंट्स हैं लगभग 159, फिर सेकंड स्टेज में उन लोगों को हम डील कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे या उनके साथ रहे हैं, और फिर उन लोगों को सी कैटेगरी के लोगों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं जो बी कैटेगरी के लोगों से जुड़े रहे हैं या कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट में आए। इस संवेदनशीलता के बढ़ने के कारण ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई। और एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। ऐसे में जो ये जो संख्या हमारी अभी पिछले 3-4-5 दिन में बढ़ी है, इसको देखते हुए 14 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये कहना अभी बहुत प्री मैच्योर होगा। और संवेदनशीलता जो बढ़ गई है, जो कॉन्टैक्ट्स की संख्या भी जो बढ़ गई है, जो हमारे पास अभी पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं
और जो पूरे प्रदेश में आधे से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की संख्या आ गई है एज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स। तो ऐसे में मैं केवल यही बताना चाहूंगा कि अभी हम बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर ये कह सकते हैं कि 14 तारीख तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये कहना इम्पॉसिबल है और अभी इसमें समय लगेगा। डे टू डे मॉनिटरिंग की जा रही, आपको मालूम है जहां भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं ज्यादा संख्या में, यानी सदर बाजार में आपने देखा होगा दो दिन पहले पुलिस ने 100% लॉकडाउन कर दिया, प्रयागराज में भी जो है पुलिस ने, जिला प्रशासन ने बहुत मजबूती से काम किया है। थोड़ा बहुत वहां पर दिक्कत सप्लाई चेन की आ सकती है, लेकिन लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक होगा क्योंकि ये उनके ही स्वास्थ्य हित में है, हर परिवार के हित में है, उनके बच्चों के हित में है कि कोरोना को रोकने के लिए हर हालत में जो है लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल किया जाए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक की थी, वीसी की थी, और इस बैठक का जो है आपको खुद ही मालूम है, हमने कल प्रेस नोट भी दिया था, ये लाइव भी जो है एनआई पे आया था और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आया है। पूरे प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण धर्मगुरु उसमें मौजूद थे, चाहे वो सहारनपुर हो, मेरठ हो, आगरा हो, बरेली हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, सभी जगह से हर धर्म के प्रमुख गुरु संत, हर धर्म के प्रमुख मौलाना जो है हर तरफ के लोग आए थे। ऐसे में उन सभी धर्म गुरुओं का एक ही बिंदु था कि पूरे प्रदेश को कोरोना फ्री करने के लिए जो भी सहयोग उनका होगा वो तत्पर है, देने के लिए तैयार है। लखनऊ से तो ये भी कहा गया कि अगर आपका जीवन है तभी आप जो है मौजूद है, अतः जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर कोई भ्रम फैला रहा है कि नहीं हमें इकट्ठा होना चाहिए, जीवन सबसे पहले है, तो जीवन की जो है अपना जिंदगी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सबने ये आह्वान किया कि नहीं, हर हालत में जो है हम लोगों को सहयोग करना है, और उन्होंने सहयोग का आश्वासन और आश्वस्त भी किया। एक सुझाव और आया धर्मगुरुओं के बीच में कि मोहल्ले में मोहल्ला वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स को भी बनाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, यूथ को जोड़ा जाए, जिससे कि इस पूरी लड़ाई को लड़ने में जन सहयोग को भी लिया जा सके आगे। एक सुझाव और भी आया उस बैठक में कि जो धर्म स्थल है उनसे कोरोना के बारे में, कोरोना से लड़ने के बारे में, महामारी से लड़ने के बारे में भी प्रचार किया जाए, और संभवतः लखनऊ में ऐसा धर्म स्थलों से शुरू भी हो गया है। तो ऐसे में ये भी एक सुझाव आया कि जो भी जहां भी जिस भी रूप में सहयोग चाहिए होगा लोग करेंगे, कोई भी व्यक्ति, एक सुझाव ये भी आया, कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि वो जो है छुपे, वो जो है लोगों के सामने ना आए, यदि कोई भी व्यक्ति की टेस्टिंग की आवश्यकता है टेस्टिंग जरूर कराई जाए। तो ऐसे में धर्म गुरुओं के बीच में भी ये बिंदु आया कि लॉकडाउन एकदम से खोलना उचित नहीं होगा। तो पुनः मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कोविड के केसेस की, पॉजिटिव केसेस की संख्या को देखते हुए पिछले 3-4 दिनों में जो तबलीगी जमात के पुष्ट केसेस आए हैं जिनकी संख्या 159 हो गई है, इसको देखते हुए प्रदेश की संवेदनशीलता बढ़ गई है, पूरे प्रदेश का कोविड का लोड बढ़ गया है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि 14 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा। ऐसे में सभी पब्लिक को, सभी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, पूरे प्रदेश के सभी लोगों को और जो है वेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये भी जरूरी है कि हमारे जो भी सरकारी अधिकारी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस है, सफाई कर्मी है, इनको और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, इनको और जो है इनका प्रोत्साहन भी करने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे ये अपने कामों को आगे ले जा सके। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है वो टेस्टिंग फैसिलिटी को मजबूत करने के लिए लिया है। पूरे प्रदेश में अब तक जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो लगभग 10 मेडिकल कॉलेजेस में या तो शुरू हो गई है या हो रही है या जस्ट अबाउट शुरू होने वाली है। इन 10 मेडिकल कॉलेजेस को BSL-3 लेवल का टेस्टिंग लैब, यानी जो एग्जिस्टिंग लैब है उसको अपग्रेड करने के लिए कोविड केयर फ्रंट जो यूपी का बना है, आज ही मुख्यमंत्री जी ने
सीनियर ऑफिसर्स की बैठक में ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को जो है हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है, जिसमें कि LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ, MLM मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, MLB मेडिकल कॉलेज झांसी, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, SGPGI लखनऊ, UPUMS सैफई इटावा, KGMU लखनऊ, MLNMC मेडिकल कॉलेज प्रयागराज और GSVN मेडिकल कॉलेज कानपुर, RMLIMS कॉलेज लखनऊ, इन सबको अपग्रेड करने का आज निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है और कोविड केयर फंड से जितनी भी धनराशि की आवश्यकता है इसको तुरंत दिया जाएगा। हमारे प्रदेश को आगे इस तरह के कहीं भी कोई दिक्कत न रहे, कोई भी जो है इस तरह की बीमारी और महामारी से हम लड़ सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रदेश में अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी स्टेट फैसिलिटीज में हो। इन 10 मेडिकल कॉलेजेस को मजबूत करने का निर्णय लिया है और आज ही कहा गया है चीफ सेक्रेटरी साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य को कि इनको और मजबूत करने की योजना तुरंत फाइनल करें और उसकी मंजूरी जो है तुरंत करा दें। इसके साथ साथ ये निर्देश दिया गया है कि 14 जो अन्य मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अभी जिनमें कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, वहां नई टेस्टिंग फैसिलिटी तुरंत स्थापित की जाए, वहां पर एक नई मॉलिक्यूलर लैब स्थापित करके टेस्टिंग लैब स्थापित किया जाए, इसके लिए भी आज ही निर्देश दिया है। ये जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, SSPH PGTI नोएडा, GIMS ग्रेटर नोएडा, ASMC अयोध्या, ASMC बस्ती, ASMC बहराइच, ASMC फिरोजाबाद और ASMC शाहजहांपुर, यानी 14 मेडिकल कॉलेजेस को ये आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इन पे तत्काल नई लैब कोविड केयर फंड से स्थापित किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 एग्जिस्टिंग लैब को अपग्रेड करना, 14 लैब्स को जो है नए सिरे से बनाना, कुल मिला के 24 लैब्स पूरे प्रदेश में इस तरह की हो जाएंगी। आगे आने वाले समय में कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो हमारे प्रदेश के पास अपना ही टेस्टिंग अपैरेटस इक्विपमेंट होगा। साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, उन जनपदों के जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उनमें कलेक्शन फैसिलिटी स्थापित की जाए, यानी 75 के 75 जनपद में या तो एडवांस मेडिकल फैसिलिटी होगी, या तो मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी होगी, या कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कलेक्शन सेंटर होगा, जिससे टेस्टिंग की फैसिलिटी के लिए किसी भी जनपद से कहीं बाहर किसी को जाना ना पड़े। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय आज बैठक में हुए हैं और हर हालत में ये जो है बहुत तेजी से काम हुआ है और इसमें किसी रूप में भी कहीं भी किसी भी तरह से जो है कोताही ना हो, इसके लिए निर्देश दिया गया, इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग की जाएगी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो 18 अब टेस्टिंग फैसिलिटीज हो जाएंगी, 10 और 14, 24 फैसिलिटी जब हो जाएंगी तो आगे चलकर जरूरत पड़ेगी तो कोविड केयर फंड से जिले स्तर पर और जितनी भी धनराशि है उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और ये पाया कि बहुत सारा जो है कार्य उद्योग विभाग में जो हुआ है उसको जो है अच्छी प्रकार से जो किया गया है उसको और आगे ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। उद्योग विभाग से जो कार्य हुआ है हम आपको बताना चाहेंगे, अभी तक कुल मिला के जिन उद्योगों में पॉजिटिव कार्य हुआ है 3,989 ऐसे उद्योग हैं जिनको अब चालू कर दिया गया जो बंद पड़े हुए थे। इसके अलावा 25,418 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनसे संपर्क स्थापित किया गया था और 22,176 इकाइयों में वेतन का भुगतान कर दिया गया है। कुछ जगहों पर यह शिकायत मिली थी कि
लेबर डिपार्टमेंट से कुछ उद्योगों को नोटिस मिली थी, वो नोटिस भी आज विड्रॉ करने का निर्देश दे दिया गया। 3,242 अब इकाइयां रह गई हैं जिनको भुगतान की कार्रवाई शेष रह गई है, उनमें भी बहुत जल्दी से जो है कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाएगी। इसके साथ साथ अब तक 11,04,000 श्रमिकों को 1,000 रुपए की धनराशि दे दी गई है, 110 करोड़ रुपए की धनराशि अब बांट दी गई है। और इसके साथ साथ श्रमिकों को नगरी क्षेत्र में जो है लगभग 1,99,704 श्रमिकों को बांट दिया गया है, कुल मिला के 19.97 करोड़ ये धनराशि भी बहुत तेजी से अर्बन श्रमिकों को बांट दी गई है। तो उद्योग भाग में बहुत अधिक काम इस आधार पर किया गया है। इसके साथ साथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में विशेष आज चर्चा मुख्यमंत्री जी की बैठक में हुई और इनको विशेष रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे समय में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पुलिस को भी चाहिए होगा, ये निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है। साथ साथ जो है हमारे हेल्थ वर्कर्स को भी पीपीई की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। हमारे जो है कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर्स के साथ जो एसोसिएटेड स्टाफ है उनको भी पीपीई की आवश्यकता पड़ती है। अब तक 31 जो ऐसी मास्क की यूनिट्स हैं उनको क्रियाशील कर लिया गया है और बाकी 2 क्रियाशील और की जा रही हैं। और इसके साथ साथ सैनिटाइजर की यूनिट भी 99 जैसा मैंने कल बताया था उनको क्रियाशील कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें कि हर हालत में पीपीई हमारे प्रदेश में बने, प्रोत्साहन की राशि जो है प्रोत्साहन किस रूप में किया जाएगा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि पीपीई का तत्काल उनका जो है मानकीकरण करा लिया जाए लैब से और उनको खरीदने की व्यवस्था भी की जाएगी कोविड केयर फंड से। पीपीई की ये व्यवस्था भी आज कहा गया है और इसका निर्देश दे दिया गया है। दुकानों को दवा निर्माण की इकाइयों में 410 इकाइयां अब कार्यरत हो गई हैं। ये कुछ शहरों में कुछ जनपदों में ये बिंदु स्पष्ट नहीं है लोगों को, लेकिन हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि प्रदेश भर के आटा मिल और फ्लावर मिल को चालू कर दिया गया है और लगभग 747 आटा मिल और फ्लावर मिल को चालू कर दिया गया है। यानी प्रदेश में कई मिलों के चलने में अब कोई कमी नहीं है। साथ साथ तेल मिल जो है कुल मिला के 393 अब चालू हो गई, लगभग सभी जो चालू होने वाली थी चालू हो गई हैं और दाल मिलें भी 209 चालू कर दी गई। तो बहुत अधिक मात्रा में दाल मिलों को भी चालू कर दिया, दाल का सीजन भी चालू हो गया है तो उनको भी आगे बढ़ा दिया गया और बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। नेक्स्ट जो डिलीवरी के बारे में, फल सब्जी की डिलीवरी के लिए अब 44,765 वाहन लगा दिए गए, 44,765 जिनमें से ठेला गाड़ी जो है लगभग 29,136 है और मोटराइज ई रिक्शा वैन या ट्रैक्टर या कोई मोबाइल वैन अगर है तो 15,629 जो है मोटराइज ट्रैक्टर्स और ई व्हीलर लगाए गए हैं, कुल मिला के 44,765 हो गए। दूध का उपार्जन भी अब 41,15,000 लीटर हो गया है और साथ साथ वितरण की व्यवस्था भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। कुछ जिलों में दूध के दाम कम भी हो गए, 27,96,000 लीटर दूध का वितरण कर दिया गया। किराना स्टोर्स में भी 21,393 किराना स्टोर्स जो हैं लगाए गए हैं अब, और अब 50,024 होम डिलीवरी की सहायता से किराना स्टोर की व्यवस्था भी की गई है। यदि कहीं भी किसी को किराना स्टोर की या किराना के सामान की दिक्कत है तो उनको 1076 अगर डायल करेंगे तो उसकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि 10 करोड़ से अधिक यूनिट्स पर जो है खाद्यान्न का वितरण हो गया है, इसमें भी और अधिक तेजी लाई गई है और बहुत अधिक तेजी से खाद्यान्न का वितरण तेजी से किया जा रहा है। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से फूड पैकेट भी भारी मात्रा में दिए जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर कहीं भोजन दिया जा रहा है तो दिन दिन शाम को अलग अलग चीज़ों और अलग अलग आइटम्स तैयार किए जाएं, एक ही तरह का आइटम ना हो, तो ऐसा निर्देश भी उन्होंने दिया है। और अब तक कुल मिलाकर
1761 धार्मिक स्वैच्छिक संगठनों ने कल 6,53,828 फूड पैकेट बांटे हैं और जिला प्रशासन के 643 केंद्रों के माध्यम से 4,12,884 पैकेट बांटे गए हैं। यानी कुल मिलाकर अब जो है 10,60,000 फूड पैकेट कल बांटे गए हैं, तो उत्तरोत्तर इसमें जो है वृद्धि हुई है। जो भी शिकायतें आई थी फूड की, उसका भी समाधान कर दिया गया है और काफी तेजी से इसमें जो है समाधान हो रहा है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि गृह विभाग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अब 9,955 FIR दर्ज कर दी गई हैं। कुल मिला के 32,132 लोगों को बुक किया गया है और 5,355 चेकिंग सेंटर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक वाहन चेक कर लिए गए हैं और अब 4,72,00,000 रुपया जो है फाइन के रूप में भी जमा किया गया है। ये भी, इस पर भी बहुत तेजी से काम हुआ है। राजस्व विभाग के माध्यम से जो आज नया एक डिजास्टर कंट्रोल सेंटर का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस डिजास्टर कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हर जिले को जोड़ दिया गया है लाइव, यानी किसी भी जिले में लाइव लोकेशन पर हम जा सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइव लोकेशन पर जो फूड सेंटर है उससे भी कनेक्ट किया है। लाइव लोकेशन पर जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर है उनको भी कनेक्ट किया है। तो ये जो नया डिजास्टर कंट्रोल फैसिलिटी या कंट्रोल रूम बनाया गया है बहुत मजबूती से काम करेगा। ये डिजास्टर कंट्रोल फैसिलिटी और कंट्रोल रूम्स को भी जोड़ेगा, यानी 112 को भी जोड़ेगा, 1076 को भी जोड़ेगा, 1090 को भी जोड़ेगा, 108 को भी जोड़ेगा, 102 को भी जोड़ेगा और ये 24/7 काम करेगा। और इसमें 12 वर्क स्टेशन हाल फिलहाल चालू कर दिए गए हैं। इसका टोल फ्री नंबर भी जो है शुरू कर दिया गया है और टोल फ्री नंबर है 1167। इस टोल फ्री नंबर पर काम जो है शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। इसमें कोविड केयर फंड में राहत विभाग के माध्यम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से कोविड केयर फंड में भी अब धनराशि ऑनलाइन आ रही है और हमारा निवेदन पुनः लोगों से आह्वान होगा कि कोविड केयर फंड में जो है वो अपना योगदान दें। अब तक जो आश्रय स्थल बने हैं उनमें लगभग 3,791 आश्रय स्थल हैं, जिनमें कल तक जो है 1,05,000 लोग थे। आज जो राजस्व विभाग ने हमें सूचना दी है 4,009 आश्रय स्थल हो गए हैं और राजस्व विभाग के अपने आश्रय स्थलों में लगभग 1,17,467 लोग हो गए हैं। यानी आश्रय स्थलों पर भी काफी अधिक मात्रा में लोग आ रहे हैं। बैंकों में भीड़ देखने को मिली है। आपको मालूम है कि आज भी बैंक खुले हुए हैं, आगे भी छुट्टी के दिनों में संडे छोड़कर बैंक खुले रहेंगे। हमारा निवेदन ये रहेगा गाँव से, गाँव के लोगों से कि बैंकों पर भीड़ बहुत ज़्यादा ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो करें जिससे बैंकों में बहुत ज़्यादा दिक्कत या बहुत ज़्यादा किसी तरह की कठिनाई ना हो। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारा जो चैलेंज है वो चैलेंज इस तरह का है कि हम ये कोविड से लड़ने के लिए जो ये सेंसिटिव केसेस आए हैं इनको हम आगे और अधिक मजबूती से लड़ सकें, इसके लिए हम लोग पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने फेक न्यूज़ पर कार्रवाई अब दिनों दिन करना शुरू कर दिया है। फेक न्यूज़ पर जौनपुर में एक FIR, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए जौनपुर में FIR दर्ज की गई है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे एक ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ये हरदोई के शायद हैं, हरदोई के ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ भ्रामक प्रचार कर दिया था, इनको भी निलंबित कर दिया गया। तो सरकारी आदमी भी यदि गलत प्रचार या गलत कहीं पर खबर देगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब तक बहुत सारे जो मामले आ रहे हैं, फेसबुक के 3 मामले आए हैं, व्हाट्सएप से 1 मामला आया है, टिकटॉक पर बहुत सारे मामले आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे आपत्तिजनक वीडियोज आ रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि इस ऐप का लोग दुरुपयोग ना करें। यदि इस ऐप का दुरुपयोग लोग करेंगे तो ऐसे में उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो सकती है।
अगर गलत वीडियो कोई फॉरवर्ड करेगा तो भी कार्रवाई हो सकती है। कृपया ये मैसेज तुरंत दे दें कि टिकटॉक जो ऐप है उसका दुरुपयोग न करें, अन्यथा लोगों पर FIR करेंगे। और यदि कोई गलत वीडियो, बहुत सारे आपत्तिजनक और गलत वीडियोस चल रहे हैं टिकटॉक पर, ऐसे वीडियोस यदि चलेंगे तो जो फॉरवर्ड करेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। हम सोर्स तक नहीं जाएंगे, सोर्स पता करना कभी कभी मुश्किल होता है। हम टिकटॉक की कंपनी से भी बात करेंगे कि कैसे इस तरह के वीडियोस को रोका जाए। इस पर भी हम भारत सरकार में भी रिक्वेस्ट करेंगे, टिकटॉक वालों से भी बात करेंगे कि इस तरह के जो है किसी तरह से चलने ना पाए। हम अंत में पुनः इस बात को बल देना चाहेंगे कि ये जो मीडिया में कुछ लोगों ने चलाया था, कुछ मीडिया के सेक्शंस में भी चला था कि 15 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा, ऐसी संभावना अभी बहुत क्लियर नहीं है। जो ये केसेस आए हैं तबलीगी जमात के, इनके कारण जो संवेदनशीलता बढ़ी है और लगभग आधे से ज़्यादा केसेस तबलीगी जमात की वजह से आ गए हैं, तो इनको जो है इनका इनके जितने भी पेशेंट्स हैं सबका निवारण करना, ए कैटेगरी के लोग, फिर बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में जो भी जहां भी कहीं संभावना है कोई कॉन्टैक्ट में आया है उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने की पूरी प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू है। हर जिला प्रशासन, पुलिस इसमें लगा हुआ है, मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम्स लगी हुई हैं। कोई भी एक भी कोरोना का केस बच जाता है पूरे प्रदेश में तो हम लॉकडाउन खोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे में इस संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें समय लगने की संभावना है और टेस्टिंग की फैसिलिटी को और मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड केयर फंड से निर्देश दिया है कि हमारे जो 10 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको और मजबूत किया जाए, 14 जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस अन्य हैं उनको हम जो है आगे ले जाएं, साथ साथ जो हमारे मंडल मुख्यालय के जो अस्पताल हैं उनको भी जो है हम जो है वहाँ पर भी टेस्टिंग फैसिलिटी सुनिश्चित करें। मंडल मुख्यालय के भी अस्पतालों में हम लोग जो है टेस्टिंग लैब्स स्थापित करेंगे और जिन जनपदों में कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होगी वहाँ पर जो है टेस्टिंग के कलेक्शन के सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में टेस्टिंग की एक बृहद और बड़ी प्रणाली लागू होगी, इस और जो है निर्देश आज दिए गए हैं, इस पर भी बहुत अधिक काम किया जा रहा है। मैं इस माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि किसी भी जनपद में यदि किसी भी धर्मस्थल पर या किसी भी अन्य स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसा रह गया है जो जिसकी जो है तबीयत खराब है, संदिग्ध है, जिसने भी कांटेक्ट किया है किसी बीमार व्यक्ति के साथ, तो जरूर सामने आए, विलंब न करें, क्योंकि जितना विलंब करेंगे प्रदेश उतना जो है पीछे रहेगा और प्रदेश आगे कोविड से बाहर निकलने में कठिनाई आएगी। देखिए जो आप पूछ रहे हैं कि रह गए चिन्हित होने में, तो ये आंकड़ा तो हो ही नहीं सकता है। ये आंकड़ा जरूर हमारे पास है कि लगभग 1600 लोग ऐसे हैं जिनको जो है हम लोग ने चिन्हित किया है और लगभग उसमें से 1200 से अधिक लोगों को जो है क्वारंटाइन करके उनका विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है। आंकड़ा काफी है लेकिन इस आंकड़े की वजह से जो कोविड के केसेस बढ़े हैं वो हमारे लिए चिंता का विषय है और इसीलिए लॉकडाउन के बारे में अब पूरा विचार करना पड़ेगा कि 14 को खुल पाएगा कि नहीं। केंद्र सरकार का जो कैबिनेट का डिसीजन है वो हमारे पास अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, इस पर उच्च स्तर पर राज्य स्तर पर निर्णय होता है, मैं अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। हाँ हाँ जी, ऐसा संभावना नहीं है, जहाँ भी कोई संभावना रहेगी तो वहाँ सख्ती की जा रही है, टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है, ऐसा कोई संभावना नहीं। अभी तो जितने भी ये मामले आ रहे हैं, इनफैक्ट आपने देखा 27 में से 21 मामले तो तबलीगी जमात के ही हैं, तो ये कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं है, ये केसेस आइडेंटिफाइड लोगों के हैं, कार्रवाई की जा रही है। 40 से 45 जिला ऐसे हैं जिनमें कोरोना के मरीज नहीं हैं, क्या उनको 15 तारीख में? मैंने आपसे क्या कहा, पूरे प्रदेश में जैसे ही लॉकडाउन खोला जाएगा तो ये इंश्योर किया जाएगा कोरोना फ्री है हमारा प्रदेश। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव रहेगा तो बड़ी मुश्किल होगी, अभी इसमें संभावना नहीं है कि जल्दी खुल पाएगा। हाँ बता रहे, हाँ
देखिए सदर में जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो एक्स्ट्रा केयरफुल है, इसलिए वहाँ लॉकडाउन पूरी तरह से कर दिया गया है। आर्मी एरिया है वहाँ, हमारे सीपी साहब ने, वहाँ जिलाधिकारी ने, सबने सहयोग करके दो दिन से लगातार पूरा लॉकडाउन इसलिए रखा है एक्स्ट्रा केयर की वजह से, कहीं भी कोई भी कहीं स्प्रेड ना होने पाए कार्रवाई की जा रही है। जितने लोग थे आइडेंटिफाई हो गए वो क्वारंटाइन में रख दिए। ऐसा कहना बहुत उचित नहीं है क्योंकि जो लोअर लेवल के स्टाफ गए थे तब पहली बार थोड़ा सा कठिनाई आई थी, लेकिन फिर जब वरिष्ठ अधिकारी गए तो सबका टेस्टिंग हो गई, कोई असहयोग नहीं रह गया। जी, इन टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड करने की जो बात है इसमें टाइम फ्रेम तो यह है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो इसमें टेस्टिंग का इक्विपमेंट खरीदने के लिए निर्देश दे दिया गया है, आज ही निर्देश मिला है, कुछ ही दिन में 2-3 दिन के अंदर ही निर्णय सब हो जाएगा, सैंक्शंस भी फाइनेंशियल हो जाएंगे, संभवतः कल या परसों तक फाइनेंशियल सैंक्शंस हो जाएंगे, जितनी जल्दी इक्विपमेंट आएगा ये टेस्टिंग लैब की व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। जी देखिए पीपी किट्स जब भी जहां भी अभी तो ये आवश्यक था कि पीपी किट्स उपलब्ध हो जाए, इसलिए हमारे प्रदेश में पीपी किट बनाने के लिए निर्देश किए गए। जैसे ही नए नए यूनिट स्टार्ट हो जाएंगे उनकी टेस्टिंग हो जाएगी, कुछ किट्स बनाने शुरू हुए, टेस्टिंग अभी एक शायद यूनिट मंजूर हुई है, तो ऐसे में जैसे ही नई यूनिट आएंगे काम हो जाएगा। आपने देखा था सैनिटाइजर की अब 99 यूनिट हो गई, ऐसी पीपी की यूनिट्स को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। बरेली में कोई विशेष बात नहीं थी, वहाँ पर किसी गांव में लोग शिकायत करने आए थे, 50 लोग इकट्ठा होकर आए थे, एसपी ने या जो भी वहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने फिर उनको भगा दिया था और फिर उसके बाद उनको डिस्पर्स कर दिया था। तो लॉकडाउन को इंश्योर करने के लिए किया गया था, कार्रवाई भी कर दी गई और ऐसे लोग जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे उन पर कार्रवाई भी कर दी गई। एसएसपी बरेली से मेरी बात हो गई। जी देखिए इस समय कोरोना हमारा प्राइम वो है, जो भी इलाज टल सकता है टल सकता है, जहाँ इमरजेंसी है वो इमरजेंसी देखी जा रही है, लेकिन अभी हॉस्पिटल्स को खोलने के बारे में जनरल उसके लिए वो फैलने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, तो ऐसे में अगर हॉस्पिटल खोलकर सामान्य मरीजों को देखा जाएगा तो कोरोना फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे।